आप देख रहे हैं जेके दास्तान और मैं हूं आपके साथ रेशमा चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा मामला ऐसे है कि मैंने 2022 नवंबर में कागज वहां जम्मू से एक्सिन गुंडो आरएनबी को पहुंचा के लिए डीपीआर बनाने के लिए, लेकिन इस वक्त तक त्रहकल को बनी मंदिर के कागज एडब्ल्यू कहरा ने दबा कर रखे हैं, लेकिन सिर्फ एक बार जेई आए और 10K2 डीपीआर जब बनाई उसके बाद उसको जब हमने जम्मू लिया तो चीफ इंजीनियर साहब ने वहां से लेटर बना के दिया, चीफ इंजीनियर साहब ने लेटर बना के दिया कि ये डीपीआर जो है परमानेंटली डीपीआर बना के लाओ और हम इसके टेंडर करेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि एडब्ल्यू कहरा जो भी हम उसको इस त्रहकल तो बनी मंदिर की बात लगाते हैं तो भावनाबाजी करता है। उसने तमाम जेईयू को उठा के तेंदला भेजा, वहां मेहराजी मलिक की कई रोडों की उसने सर्वे की और उसके बाद उसने कुठल का मसला उठाया, लेकिन त्रहकल को बनी मंदिर की बात जब आती है, बीजेपी की बात जब आती है, एक्सिन गुंडो और एडब्ल्यू कहरा बहानाबाजी करते हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर एडब्ल्यू कहरा ने त्रहकल से बनी मंदिर की डीपीआर को तैयार नहीं किया तो हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी बनी त्रहकल रिंजाना हो जाके है, हम सारे लोग जाके रविंदर रैना जी के दफ्तर के बाहर धरना देंगे कि रविंदर रैना जी के लेटर और अशोक जी के लेटर का मजाक अगर एडब्ल्यू कहरा ने बचाया है और एक्सिन गुंडो ने तो ये मामला क्या है। लिहाजा मैं जनाबे डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक्सिन गुंडो और एडब्ल्यू कहरा को जल्दी से जल्दी एक लेटर निकाला जाए कि वो त्रहकल से बनी मंदिर की सर्वे करके और डीपीआर तैयार करके दे दे। शुक्रिया।